पंजाबी गायक और कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला पर मानसा में हमला, हत्या। एक दिन पहले ही भगवंत मान ने वापस ली थी उनकी सुरक्षा। इमीडिएटली जड़ी खाद लगी हैवी फायरिंग शुरू होती है। हैवी फायरिंग के दौरान मिस्टर सिद्धू मूसेवाला ने मल्टीपल जड़ी मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में राजनीति गरमाई। आम आदमी पार्टी ने सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता की हत्या पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर उठाए सवाल, पूछा क्यों हटाई गई सुरक्षा। राहुल गांधी ने मूसेवाला की हत्या पर जताया दुख, कहा दुख की घड़ी में परिवार के साथ। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की घोषणा की। कर्नाटक से निर्मला सीतारमण, महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, उत्तर प्रदेश से 6 उम्मीदवार। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। बिहार से सतीश चंद्र दुबे और शंभु शरण पटेल को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी। राजनीतिक समीकरण का रखा गया ध्यान। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी ने मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार को बनाया उम्मीदवार। राजस्थान से घनश्याम तिवारी को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। उत्तराखंड से कल्पना सैनी को दिया गया मौका। यूपी विधानसभा में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी कार्य समिति की बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव में 75 सीटें जीतने का योगी ने रखा लक्ष्य। यूपी में अब सड़कों पर नहीं होगी नमाज। सीएम योगी ने कहा मस्जिद या ईदगाह में ही पढ़ें आप जाकर नमाज। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी बीएसपी। मायावती के साथ पदाधिकारियों की बैठक के बाद निर्णय। यूपी में 11 आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर। वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त का भी किया गया तबादला। गुजरात में चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। ओवैसी का पोरबंदर में ऐलान। देवबंद में जमीयत उलमा हिंद के सम्मेलन में गर्जे मत नहीं, कहा शरीयत में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं। जमीयत के सम्मेलन में ज्ञानवापी मथुरा समेत कुतुब मीनार से जुड़ा मुद्दा उठा, कहा अतीत के गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं। मुसलमान अपने बुनियादी हुकूक के मामले में न झुकता है, न कभी झुका है और न झुकेगा। जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन में महमूद मदनी का सख्त संदेश, कहा ये देश हमारा है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का, इसलिए हम नहीं जाएंगे। जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। मदनी के बयान पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का निशाना, कहा कुछ धार्मिक नेता नहीं चाहते मुसलमान आगे बढ़ें। कुछ दल और कुछ मजहबी नेता इस बात में लगे हैं कि मुसलमानों को मुख्य धारा में नहीं आने देना। देवबंद में जमीयत के इस कार्यक्रम में सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल का बयान, कहा अपने उसूलों पर मुसलमान न झुका है न झुकेगा। जो मुसलमान अपने बुनियादी हुकूक के मामले में न झुकता है, न कभी झुका है और न झुकेगा। कल ज्ञानवापी केस में वाराणसी अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई। फव्वारा या शिवलिंग पर बना है सस्पेंस। पीएम मोदी ने कल पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बच्चों को हेल्थ कार्ड सौंपने की बात कही। कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों को मिलेगी मदद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अपनी गुजरात यात्रा के दूसरे दिन डेयरी पंचामृत गोधरा में अनेक विकास कार्यों का शुभारंभ किया। सांसद नवनीत राणा के विरुद्ध और केस बढ़ सकती हैं मुश्किलें। देर रात लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए मामला दर्ज। 20 मई को पीएम की शिमला रैली के लिए अभियान। घर घर न्यौता दे रहे हैं कार्यकर्ता। हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। कल अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में हो सकते हैं शामिल। चंपावत उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। बीजेपी कांग्रेस ने झोंकी अपनी शक्ति। चंपावत के टनकपुर में पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। वाल्मीकि बस्ती में जाकर मांगे वोट। कुरुक्षेत्र में बीजेपी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हमला बोला। कलयुग में किसानों ने तोड़ा बीजेपी का घमंड।
कलयुग में किसानों ने भाजपाइयों का घमंड तोड़ा। आम आदमी पार्टी के जवाब में फतेहाबाद में कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष रैली का आयोजन। हुड्डा ने कहा, हरियाणा में सरकार बनी तो 6,000 बुढ़ापा पेंशन देंगे। सिरसा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रगति रैली, 575 करोड़ रुपए की सौगात। पंजाब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता सुनील जाखड़ भी शामिल, मंच पर जोरदार स्वागत। पुलवामा में आतंकवादियों से एनकाउंटर, सीआरपीएफ सेना और पुलिस ने घेरा। वाराणसी में शिवलिंग को फव्वारा बताने वाले श्रीकाशी करवत मंदिर के महंत ने छोड़ा पद, कहा मैं कुचक्र में फंस गया। आजमगढ़ में हिंदू धर्म के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने वाला आरोपी गिरफ्तार, एसपीसीटी का खुलासा। लखीसराय में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन पर भड़के, भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। गोरखपुर में गरीबों का मसीहा बना भविष्य निधि कार्यालय, प्राइवेट अस्पताल में इलाज का उठाया सारा खर्च। यूपी के शाहजहांपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यापारियों से भिड़ंत, नाराज व्यापारी भड़क गए। बिजनौर में योगी के विरुद्ध लोग बुलडोजर के डर से खुद ही अवैध निर्माण तोड़ने लगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हवा में लटका झूला, लोगों के साथ सैर की, काफी मेहनत के बाद बचाया जा सका। झारखंड के लातेहार में युवक और युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत, शव मिला। बिहार के मुजफ्फरपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार, फर्जी वेबसाइट के द्वारा लोगों को लगाया करता था चूना। केरल पहुंचा मानसून, समय से 3 दिन पहले हो गई एंट्री। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा, बैजनाथ बैराज झील के खोले गए सारे गेट। उत्तराखंड के 5 जिलों में कल भी होगी भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के मंडला में गोलगप्पे खाने से 95 लोग बीमार, 32 बच्चे शामिल। गाजीपुर में किसान के धारदार हथियार से हत्या, खेत में सोते समय मार डाला। बरनाला में डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की पंचायत, टिकैत ने कहा महिलाओं की सुरक्षा, कृषि जैसे मुद्दों पर चर्चा। सवाई माधोपुर में करणी सेना का चिंतन शिविर, देश भर से जुटे पदाधिकारी। असम के सिलचर में 26 रोहिंग्या गिरफ्तार, दिल्ली में शनिवार रात आए थे सभी। महोबा के जिला अस्पताल में महिला हेल्थ वर्कर्स पर 5,000 रुपए घूस का आरोप, मरीज को खून देने के बदले मांगे पैसे। कानपुर के चकेरी थाना के लाल बंगला में मेडिकल स्टोर में लगी आग, लाखों का नुकसान। जमशेदपुर में टायर गोदाम में भीषण आग, 10 किलोमीटर दूर तक दिखी लपटें। महाराष्ट्र में पुणे नासिक राजमार्ग पर बस जलकर खाक, सभी यात्री सुरक्षित। सवाई माधोपुर में जलती कार को ड्राइवर ने करीब 13 किलोमीटर तक दौड़ाया, सूझबूझ से तालाब में बुझाई आग। नोएडा में लग्जरी गाड़ियों से स्टंट करने वालों का वीडियो वायरल, पुलिस का जल्द कार्रवाई का वादा। बड़वानी में विस्फोट के बाद किसान की 2 उंगलियों के उड़े पर खच्चे, फल जैसे आकार वाले प्लास्टिक में धमाका। झारखंड के हजारीबाग में सेना के शहीद जवान का अंतिम संस्कार, सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत। झारखंड के रामगढ़ जिले में फैक्ट्री के आगे छात्र के शव को रखकर प्रदर्शन, मुआवजे की मांग। दिल्ली के डाबड़ी थाने में पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत, दुष्कर्म का था इस पर आरोप। इंदौर में दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा इनामी बदमाश कानपुर से गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक में बुजुर्ग की हत्या, रात में दुकान में सोने के लिए निकला था मृतक। रोहतक के धामण गांव में डेरे के महंत की हत्या, पुलिस ने जल्द खुलासा करने का दावा किया। शाहजहांपुर में लिफाफा गैंग का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार, 2 लाख के जेवर, नकदी मोबाइल बरामद। बिहार के आरा में सन के प्रेमी ने प्रेमिका पर फेंक दिया तेजाब, पीड़ित परिवार ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। सवाई माधोपुर में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, अब महिला की शिनाख्त नहीं हुई। बाड़मेर में करंट लगने से किसान की मौत। हमीरपुर में 2 दिनों में 3 अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़,
जयपुर एयरपोर्ट पर 1,22,00,000 का सोना जब्त, कस्टम विभाग को मिली सफलता। मथुरा में मोबाइल छीनने वाले गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार, 18 मोबाइल मोटरसाइकिल जब्त। सिंगरौली में नाबालिग लड़के से 32 साल की महिला की शादी का मामला सामने आया, सरपंच समेत 7 के विरुद्ध केस। जेडीयू की तीसरे साल की छात्रा से छेड़छाड़, दिल्ली के वसंत कुंज में मामला दर्ज। बहराइच में सड़क हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत, 9 घायल। चंदवाड़ा में किसान को लूटने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार, आंख में मिर्च पाउडर डालकर ये लूट लिया करते हैं लोगों को। बिहार के मधेपुरा में 3 साल की बच्ची से दादा ने किया दुष्कर्म, दादा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भरतपुर में 2 गुटों में खूनी झड़प, कैमरे में कैद महिला को गलत इशारे करने पर भिड़ गए लोग। असम के बोंगाई गांव में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, तलाशी के दौरान हेरोइन जब्त। हल्द्वानी में कार हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। रीवा में पानी की तलाश में जंगल में आया भालू, कुएं में गिरा, 5 घंटे तक रेस्क्यू। बारा में मौत पर हंगामा, सड़क पर जैम, कांग्रेस की महिला विधायक से अभद्रता तक का भी आरोप। इंदौर के चंदन नगर में नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य का मामला सामने आया, आरोपी की तलाश में पुलिस। बिहार के छपरा गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 4 लड़कियां गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में ठगी का आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार, जादू टोनू के द्वारा 13,00,000 रुपए ठगे। कानपुर में बूढ़ी मां को 10 किलोमीटर पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचा बेटा, वीडियो वायरल। जबलपुर में आईपीएल के फाइनल से पहले सट्टा लगाते 3 सटोरिये गिरफ्तार, 70,00,000 कैश बरामद। प्रयागराज में सेंट्रल जेल में कैदियों के बने सामानों की बिक्री। छिंदवाड़ा में अभी मुक्तेश्वरानंद की नाराजगी के बाद राम मंदिर से हटाई गई साईं बाबा की प्रतिमा, बोले राम मंदिर में साईं बाबा का क्या काम। बद्रीनाथ में आंध्र प्रदेश के कलाकारों ने भगवान बद्री विशाल को समर्पित किया मृत्युस्तव।